हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्लास 12 ज्योग्राफी। दिस इज़ चैप्टर 12, द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, एंड वी आर डिस्कसिंग द मॉड्यूल 4। एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लैंड पोल्यूशन। एंड द मेन कॉज फॉर द लैंड पोल्यूशन इज़ वेस्ट डिस्पोजल, एंड दिस वेस्ट डिस्पोजल इज़ द वी कैन से द अलार्मिंग प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन एरिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट डिस्पाइट द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द सेपरेट कलेक्शन बीन्स फॉर द रिसाइकलिंग, अनटोल्ड अमाउंट ऑफ द रेजिडुअल्स, मीन्स इट्स अ पिक्चर ऑफ द एक्चुअलिटी ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, दैट देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द सेग्रीगेट और द सेपरेट डस्टबीन्स टू कलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, बट देर इज़ अ एवरीवेयर देर इज़ अ हीप ऑफ अनसर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिडुअल्स, अनसर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्ट मटीरियल। दिस वेस्ट मटीरियल जनरली मार्क्ड बाय द, और वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बन एरियाज, बिकॉज एज यू नो द अर्बन एरियाज आर ओवर क्राउडेड, कंजस्टेड, इनएडिक्वेट सप्लाई फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, सेटलमेंट्स। सो देर आर डिफरेंट इनएडिक्वेट फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया, ओवर क्राउडनेस आर देयर, कंजस्टेड एरियाज आर देयर, अनसैनिटाइज एरियाज आर देयर, यू नो वेंटिलेटेड, अनवेंटिलेटेड एरियाज आर देयर। सो देर आर, दीज आर द बेसिक characteristics of the urban areas, and due to these problem, the one more problem is the solid waste. This solid waste referred to a variety of old, means what different thing include in the solid waste. So solid waste, a variety of old and used article, for example stain, small pieces of metal, broken glassware, plastic container, polythene bags, CDs, ashes, different floppies, CDs, waste paper, different plastic bags. So these are the different kind of solid waste. These waste, generally there are two sources of these waste. First, household, means the solid waste disposed or released by the house or domestic establishment, and the second one is industrial area. So there are two sources from where we get this solid waste. Solid waste disposed either on the public land or on the private contractors. So there are two kind of area where we dispose this kind of solid, which sourced by the domestic or industrial establishment. यानी दो जगह हैं, दो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये सॉलिड वेस्ट मिल रहा है। एक तो डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे इंडस्ट्रियल, और दो ही जगह ऐसी हैं जहाँ इनको हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या तो पब्लिक लैंड्स पर यानी जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, या किन्हीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के। तो एज यू कैन सी इन द अलवर ऑल्सो, आप अपने, हम जिस अलवर सिटी में रह रहे हैं या जितने भी डिफरेंट सिटीज़ एरिया हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उनमें म्यूनसिपैलिटी की जो वैन है, जो गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आती हैं, सो दे कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम डिफरेंट डोर टू डोर एरिया, बट दे डिस्पोज और डंप दिस गार्बेज ऑन अ पर्टिकुलर लैंड विच ऑथराइज बाय द पब्लिक, बिकॉज जो म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ हैं, ये सब गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, और ये जहाँ भी जो गवर्नमेंट एरिया होगा वहीं पर इस गार्बेज को डंप करेंगी, या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को इनके कॉन्ट्रैक्ट देंगी तो उन एरियाज में ये जाकर गार्बेज को डंप करेंगी। सो इन दिस वे वी कैन से देर आर टू एरिया वेयर दिस सॉलिड वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, ईदर द पब्लिक लैंड और द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स। वेयर आर द सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज एज लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स। The high turnout of ashes and debris. Debris means the sediments brought by different wind, water, rainwater. So the sediment called as a debris. Industries, thermal powerhouses and building constructions or demolition have posed problem of serious consequence. Means इन जितने भी एरियाज़ हैं उनसे जो ashes या debris या जो construction work से जो waste material आ रहा है, ये इन सब के सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और उसके बहुत ही सीरियस आफ्टर इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। सॉलिड वेस्ट कॉजेज हेल्थ हैजार्ड्स। जो सॉलिड वेस्ट डिफरेंट एरियाज हम देख रहे हैं, इससे
हेल्थ हैजार्ड, यानी हेल्थ के लिए बहुत ही हैजार्डियस है, बिकॉज इट जनरेट ऑब्नॉक्सियस स्मेल, वी कांट बियर दिस काइंड ऑफ स्मेल, एंड देयर इज अ हार्बरिंग ऑफ द फ्लाइज. फ्लाइज मीन्स द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, ऑल दीज एंड रोडेंट्स. सो दीज क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लाइज, रोडेंट्स, स्मेल, ऑर्डर, ऑल दीज थिंग्स विच एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ डिजीज लाइक टाइफॉइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया एंड कॉलेरा. सो दीज आर द डिफरेंट डिजीज मेड बाय द सॉलिड वेस्ट, और वी कैन से द अर्बन वेस्ट. एज वी ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिजीज जनरेट बाय वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. सो दीज डिजीज जनरेट बाय द लैंड पॉल्यूशन. वेन दीज आर केयरलेसली हैंडल्ड, स्प्रेड बाय विंड एंड स्प्लिटेड थ्रू रेन वाटर. यानी जब हम इस टाइप के जो सॉलिड वेस्ट है, जब उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, प्रॉपरली डंप नहीं करेंगे, तो विंड के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल इधर उधर फैल जाएगा एंड कॉजेज फॉर जनरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दीज डिजीज. कंसेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर गिव राइज टू डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स का हमने अर्बन सेंटर्स यानी जहाँ सेटलमेंट ज़्यादा हैं उन एरियाज़ के आसपास या एरियाज़ के अंदर अगर हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप किया है, तो यह भी अर्बन वेस्ट के लिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लेड टू वाटर पॉल्यूशन, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, कि अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को बिना ट्रीट किए डायरेक्टली वाटर पॉइंट्स में रिलीज कर देंगे, वाटर पॉइंट्स में डंप कर देंगे, तो ये वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है. River pollution from city-based industry and untreated sewage leads to a serious health problem downstreams. यानी जहाँ मेन स्ट्रीम और उनके सबसीक्वेंटली जो डाउन स्ट्रीम्स हैं, उन डाउन स्ट्रीम्स में अगर ये अनट्रीटेड वाटर मिल जाएगा, तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को जनरेट करता है. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया एंड मैक्सिममली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा. About 90% of the solid waste is collected and disposed, but in most of the other cities and town in the country, about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected. As you can see in the picture also, the maximum 30 to 50% area of the urban, in the urban area, this kind of waste or solid waste material is uncollected. And when that this kind of uncollected material accumulate on streets, yani jab ye streets mein ikhatta hota hai, in open spaces between houses and in wasteland leading to serious health hazards, yani gharon ke beech mein aur jo wasteland padi hui hai unke beech mein, jab is type ka garbage, is type ka solid waste material, as you can see in the picture also, ye aapne apne gharon ke ya colonies ke aas paas bhi is type ke heap bahut dekhe honge. And this is the hazards for the disease because it generates the toxic full gases. These waste solid be treated as resource and utilized for the generating energy and compost. So we need to use this kind of solid as a resource for energy. यानी हमें ऐसे solid waste को एक energy resource की तरह use करना चाहिए और या compost की तरह हमें इन waste को use करना चाहिए. लाइक जो हमारे किचन से वेजिटेबल वेस्ट निकलता है, उस वेजिटेबल वेस्ट से हम कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं और उससे हमारे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो वो गार्डनिंग के लिए एक मैन्योर की तरह यूज़ करेगी. इस तरीके से हमने वेस्ट को रिसाइकल भी कर लिया, उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हुआ और वो हमारे यूज़फुल भी हो गया. बट अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली ग्रेजुअली एंड रिलीज टॉक्सिसफुल गैस टू द एटमोसफेयर. लेकिन ऐसा अनट्रीटेड वेस्ट धीरे धीरे फर्मेंट होता है और उससे टॉक्सिस फुल बायोगैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर को पल्यूट करती है, इंक्लूडिंग मीथेन. और ऐसे में मीथेन इंक्लूडिंग होती है, एंड एज यू नो मीथेन इज़ द मेजर ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज वी कैन से द ग्रीन हाउस गैसेस विच कॉजेज फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स. वेस्ट इन ओशन. As you can see in the recent year, the dirty truth about our waste crisis. In recent year, the issue of marine pollution has taken center stage in the world growing waste crisis. Yani world ke jo waste material ka jo crisis increase ho raha hai, problem jo increase ho rahi hai, usme sabse bada problem hai oceanic area ka. Hum
या डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, अर्बन एरिया से ये सारा वेस्ट मटेरियल इन वाटर पॉइंट्स के थ्रू यानी रिवर्स के थ्रू ओशंस में पहुंच रहा है एंड ओशंस चॉक्ड विद दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल. डेवलप्ड कंट्रीज इन पर्टिकुलर हैव वोकन अप टू द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम चोकिंग द वर्ल्ड ओशन. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस हैजर्ड से अभी वेकन अप हैं तो वो सीरियस प्रॉब्लम साइड फोकस कर रही हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू कंसर्न इन दिस एरिया. थैंक यू.